अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फरहानास किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ छोले मसाला रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है और ये बहुत ही टेस्टी भी होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टोव पे एक पैन रखेंगे और उसमें हम ऑयल को डालेंगे। इसमें हम 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे और गर्म होने देंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ज़ीरा को ऐड करेंगे। हम इसमें चॉप किए हुए लहसुन डालेंगे और तेज पत्ता डालेंगे और सूखी मिर्च डालेंगे। इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे और एक लौंग डालेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई ऑनियन डालेंगे। अब हम प्याज को ब्राउन कलर में आने तक इसे सॉटर कर लेंगे। अब हमारी प्याज ब्राउन कलर में आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून छोले मसाला, थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे। अब हम 2 मिनट्स तक इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब मैंने 2 टमाटोज को अच्छे से ग्राइंडर में पीस के उसका टमाटो प्यूरी बना लिया है। अब हम उसे ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसे 2 मिनट्स तक ऐसे ही पकाएंगे। मैंने एक बॉल चने को रात भर भिगो के रख दिया था पानी में और इसे अब मैंने बॉईल कर लिया है कुकर में। देखिए ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। मैं आज एवरेस्ट का छोले मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, ये टेस्ट बहुत अच्छा देता है, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ही ऐड कीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बटर ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 ग्लास वाटर ऐड करके इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें हमारे चने ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज करके ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। हम इसे 5 मिनट्स तक पकाएंगे और उसके बाद स्टोव ऑफ कर देंगे। अब ये तैयार हो चुका है, तो अब हम स्टोव को ऑफ कर देंगे। तो अब ये हमारे छोले मसाले तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसे बनाना इजी भी होता है। इसे आप फुलके के साथ ले सकते हो या फिर पूरी के साथ भी ले सकते हो। ये डिनर टाइम के लिए भी ले सकते हो या फिर लंच टाइम के लिए भी। और इसे बनाना बहुत इजी है और ये इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।